हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, सबको मैं सबसे पहले एक अपील करना चाहता हूँ। एक वीडियो वायरल हुआ है जो शेमफुल है, दुखी है, सबको दुख लग रहा है, मुझे बहुत फ़ोन आया है, लेकिन मैं आपको एक अपील करना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग गलत काम करते हैं उसका जवाब हमें गलती से नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने मेरा पुतला जलाया, मेरे फोटो में थूका, उन्होंने गलत चीज़ किया, इसके लिए सबने इसको कंडेम किया है, लेकिन मैं अपने तिपरा माथा के वर्कर्स को, मैं अपने YTF के वर्कर्स को, बुरुई बुमा बदल के वर्कर्स को, एम्प्लॉयज फेडरेशन के वर्कर्स को और जो पॉलिटिक्स में नहीं है उनको भी एक ही बात बोलना चाहता हूँ। जो लोग ये कर रहे हैं वो हमारा थानसा के खिलाफ है, वो हमारे यूनिटी के खिलाफ है और इनको लगता है ये करने से तिपरासा तिपरासा से फाइट करेगा। अगर आप गुस्सा होकर वायलेंटली होकर रिएक्ट करोगे तो वो लोग का मकसद पूरा हो जाएगा। आई एम अपीलिंग टू ऑल ऑफ यू ऑल, यू मे बी एनीवन, लेकिन ऐसे लोगों को रिएक्ट करके इनको इम्पोर्टेंस मत दो। मैंने सबसे बात किया है, मैं आज फिर से आपको अपील कर रहा हूं कि किसी और का पुतला ना जलाए, किसी और के फोटो में ना थूके, किसी और लीडर के ऊपर गाली या स्लोगन बियरिंग नहीं करे, क्योंकि मैं आपको एक ही बात बोलना चाह रहा हूं कि तिपरा मोथा थानसा के लिए है, ये लोग थानसा के खिलाफ है और अगर आज आप तिपरासा बन के तिपरासा ही के अगेंस्ट ये सब करेंगे तो मुझे शर्म लगेगा, तिपरासा दोफा का नाम नीचे गिरेगा। ये मैं आपको अपील करना चाहता हूँ। जो लोग मेरे खिलाफ हैं वो मुझसे डरते हैं, वो जानते हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो ये लोग हमको उकसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन माय डियर तिपरासा लोग, मैं यहाँ में आपके लिए गाली सुनने के लिए तैयार हूँ, आपके लिए मैं अपना जिंदगी का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। मैं पॉलिटिक्स में पोस्ट या पोजिशन कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं राजनीति में इसके लिए आया क्योंकि हमारे तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सोल्यूशन मिलना चाहिए, मैं इसके लिए आया हूं। मैं आपको कुछ देने आया हूं, कुछ लेने नहीं आया हूं। और ये लोग जो आए हैं, जो ये कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसे के लिए, थोड़ा सा पोस्ट के लिए, अपना नाम उठाने के लिए ये लोग ये कर रहे हैं, इनको आप इंपॉर्टेंस मत दो। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल, और अगर आप मुझे सच में दिल से प्यार करते हैं तो आप वो गलती चीज नहीं करेंगे जो इन्होंने किया है। मैं आपके साथ हूं, आप एक रहिए। 2023 में तिपरा माथा जीतेगा और जब हम जीतेंगे तब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ही बात बोलेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन दीजिए, वरना हम किसी के साथ नहीं हैं, हम अपने साथ, अपने तिपरासा के साथ, अपने दोफा के साथ, एससी के साथ, मुसलमान के साथ, चा बगान के वर्कर्स के साथ, जो भी त्रिपुरा में वंचित है, जो भी त्रिपुरा में जिसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला है, हम उनके साथ हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अपने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट देना चाहते हैं। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, ये लोग गंदी राजनीति करते हैं, इनके जैसे राजनीति हमको नहीं करना है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग गुस्से हैं, बहुत लोगों को अंदर नाराजगी है, लेकिन मैं प्लीज फिर से आपको हाथ जोड़ के अपील करता हूं, वो गलती मत करो जो इन्होंने किया है। आप किसी का पुतला नहीं जलाओ, आप किसी के आगे स्लोगन्स नहीं दो और किसी के फोटो में थूको मत। उन्होंने ये गलत काम किया है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल एंड गॉड ब्लेस तिपरासा, गॉड ब्लेस तिपरा दोफा, तिपरासा आई क्लॉक थोंग। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। हम भाई।